नमस्कार बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम लोग पढ़ रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिसमें ये वो फिनोमिना है जिसमें अगर हम लोग किसी मेटल सरफेस के ऊपर, ठीक है, हम लोग अगर किसी मेटल सरफेस के ऊपर कोई रेडिएशन गिराएं और उसके सरफेस पर से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो, ठीक है, तो उस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम लोगों ने दो टर्म्स तीन टर्म्स और पढ़ी थी। पहला हम लोगों ने पढ़ा था वर्क फंक्शन हम लोग पढ़े थे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या था? मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन दैट इज़ रिक्वायर्ड टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने टर्म पढ़ा था थ्रेशोल्ड वेवलेंथ था मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दैट इज़ रिक्वायर्ड टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक। तो ये सब चीज़ें जो थी, जो वर्क फंक्शन था वो मिनिमम एनर्जी थी, ये मिनिमम एनर्जी थी टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी तब क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपको रिक्वायरमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और आपने दे दिया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन, ठीक है। आपको रिक्वायरमेंट थी कितने की? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन की और आपने दे दिया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन। अब क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो खर्च हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके पहले जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था तो उस बाहर निकलने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, उसकी वेलोसिटी 0 थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर आप वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी का आप अगर फोटोन इलेक्ट्रॉन को देंगे, ठीक, तो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी तो वो कंज्यूम कर लेगा किसमें? सरफेस से बाहर निकलने में। लेकिन उससे अगर आप जो उससे एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो खर्च हो जाएगी कहाँ पर, मतलब वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। वो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ निकलेगा, ठीक। तो आज हम लोग एक नया फॉर्मूला पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, इफ़ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन फाई ऑफ द मेटल, देन फाई क्या है? वर्क फंक्शन, देन रिमेनिंग एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होगी वो बराबर होगी इसके एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन के। अब एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या? एच न्यू, और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा एच न्यू नॉट। न्यू नॉट यहाँ पे क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। अगर एच यहाँ से कॉमन ले लें तो एच बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा? न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक। तो ये तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के टर्म में हो गया। अगर आपको वेवलेंथ के टर्म में लिखना है तो हमको पता है कि न्यू इक्वल टू क्या होता है? न्यू इक्वल टू क्या होता है? सी बाई लैम्डा। तो हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा माइनस एस सी बाई लैम्डा नॉट। एस सी कॉमन ले लिए तो यह हो जाएगा 1/λ माइनस 1/λ नॉट, ठीक है। तो अगर आपको किसी काइनेटिक एनर्जी निकालना हो किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन का और आपको फ्रिक्वेंसी दिया गया हो तो आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आपको वेवलेंथ दिया गया है तो आप सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एबव फार्मूला इज अप्लीकेबल फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो मैक्सिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, उससे कम पॉसिबल है ना। अगर उसमें मान लीजिए एनर्जी का लॉस वगैरह हो गया तो उसकी कुछ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो जो आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होनी चाहिए उससे कम एनर्जी उसके पास होगी, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। एमिटेड इलेक्ट्रॉन मोर देन मे हैव लेस देन दिस वैल्यू, ठीक। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन व्हेन फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ, देखिए वेवलेंथ दिया हुआ है, फॉल्स ऑन द मेटल हैविंग वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है?
एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। या अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करें तो 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम माइनस फाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 12400 लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम कितना हो जाएगा, ये नैनोमीटर में दिया है तो 1 नैनोमीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होता है, 10। तो ये कितना हो जाएगा, 3000 एंगस्ट्रॉम। ये हो जाएगा आपका 3000 एंगस्ट्रॉम माइनस ये कितना वर्क फंक्शन दे रखा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0 0 कैंसिल, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास, ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 1 जा 3.33, ठीक है। अब इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 4.133, ठीक, 4.133। ये तो इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, 4.133 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा आपका, 1.133 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये आपका काइनेटिक एनर्जी आ गया किसका, फोटो इलेक्ट्रॉन का, ठीक। नेक्स्ट एक टर्म में हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं इंटेंसिटी, ठीक। इंटेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। मेटल सरफेस के ऊपर कितने ज़्यादा फोटॉन गिर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक। तो अब देखो जो क्या है कि एक फोटॉन जो होता है वो चाहे जितनी भी एनर्जी का हो, एक फोटॉन चाहे जितनी एनर्जी का भी हो, ठीक है, चाहे वर्क फंक्शन का 10 गुना क्यों ना हो, वो एक ही इलेक्ट्रॉन एमिट करवा सकता है। एक फोटॉन चाहे जितनी एनर्जी का क्यों ना हो, वो एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एमिट करवा सकता है, ठीक। तो अगर आपको कई सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, अगर आपको कई सारे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आपको कई सारे फोटॉन चाहिए होंगे, ठीक है। कई सारे फोटॉन चाहिए होंगे मतलब आपकी रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक। तो अगर आपका थोड़े इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए एक टर्म दे रखा है, फोटो करेंट्स डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वाइल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का तो हम लोग ऊपर देख ही लिए कि काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के। फ्रिक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा, फ्रिक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी था ना, ये काइनेटिक एनर्जी था एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। तो न्यू नॉट तो कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, तो एच न्यू जितना ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन जो फोटो करंट ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी के ऊपर, क्योंकि फोटो करंट अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो फोटो करंट ज़्यादा तभी हो पाएगा जब आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तभी होंगे जब आपके पास नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा होंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा तभी होंगे जब आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक। तो अगर आपको मान लीजिए ग्राफ प्लॉट करना है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। तो आप इंटेंसिटी चाहे जितना भी बढ़ा लीजिए चाहे जितना भी घटा लीजिए, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ जो होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये पैरेलल टू द इंटेंसिटी ना, जो भी उसके वैल्यू थी, जैसे मान लीजिए कि जो भी है, मान लीजिए 10 एम्पियर करंट, नहीं सॉरी, तो काइनेटिक एनर्जी है ना, ठीक है। मान लीजिए उसकी काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अगर आपका जितना भी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी आप बढ़ाते जाइए, काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर, ठीक है। तो उसका अगला वाला ग्राफ इस बात को प्रूफ करता है कि काइनेटिक एनर्जी और फ्रिक्वेंसी में अगर आप ग्राफ प्लॉट किए तो कुछ दूर तक तो इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एमिट करवाने के लिए हमको एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। लेकिन जैसे आप थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी रीच करेंगे, उसके बाद आप जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, क्लियर। तो यहाँ दो टर्म आपको दो बातें ध्यान रखनी है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनडिपेंडेंट होता है किसके, इंटेंसिटी के, डिपेंडेंट होता है किस पे, फ्रिक्वेंसी पे। उसी तरीके से जो फोटो करंट होता है, ठीक है, जो फोटो करंट होता है ये डिपेंड करता है किस पे,
इंटेंसिटी पे, और इंडिपेंडेंट होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के, थोड़ा बहुत डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन ये ज़्यादातर किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। ठीक, अब यहाँ नया क्वेश्चन है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन व्हेन फोटॉन्स ऑफ लैम्डा 410 नैनोमीटर फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, कैलकुलेट फाई न्यू नॉट एंड लैम्डा नॉट। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ रखा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, ईपी माइनस फाई। ठीक है, और ईपी क्या है, 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। काइनेटिक एनर्जी कितना दे रखा है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और माइनस फाई। ठीक है, लैम्डा नॉट, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 410 नैनोमीटर, तो हो जाएगा 12400 अपॉन 410 नैनोमीटर, तो 410 को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4100 एंगस्ट्रॉम माइनस फाइव। ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेट करें, ठीक है, तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया, और 124 को अगर आप डिवाइड करेंगे किससे, 41 से, तो आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो अगर आप फाई निकालना चाहेंगे तो फाई को आप ले जाइए लेफ्ट साइड में, 4 को ले आइए, नहीं कहीं तो कुछ गड़बड़ हो गया है, क्वेश्चन में डाटा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, इसको मैं, ये जो इसको डाटा थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब सही रहेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देते हैं, तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.02 माइनस 1। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 2.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो अब ये जो फाई आ गया, तो फाई बराबर किसके होता है, ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा नॉट के। ठीक है, और एच सी अपॉन लैम्डा नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12400 अपॉन लैम्डा नॉट एंगस्ट्रॉम, और ये कितना है, 2.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लैम्डा निकाल लेंगे किस में, एंगस्ट्रॉम में, और एक बार लैम्डा अगर निकाल लिए तो न्यू नॉट बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूले में रख के हम लोग न्यू नॉट निकाल लेंगे। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये था हम लोग का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं बोस मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, पिछला हम लोग मॉडल पढ़े थे रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, उसका हम लोग, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि रदरफोर्ड ने ये डिस्कवरी कर दी थी कि एटम के अंदर दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियर पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, लेकिन बाद में मैक्सवेल की जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थी, उसकी वजह से रदरफोर्ड का मॉडल जो था वो रिजेक्ट हो गया था, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल्योर नहीं था। आगे के जो भी मॉडल्स थे उसका जो बेस था वो रदरफोर्ड मॉडल ही था। ठीक है, तो उसके आगे जो अगला मॉडल आया था वो था हमारा बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो इसमें देखिए ये क्या है, आफ्टर द फेल्योर ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, बोर गिव्स अ न्यू मॉडल नोन एज बोर्स मॉडल ऑफ एटम विच इज बेस्ड ऑन क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स को हम लोग न्यूटोनियन फिजिक्स बोलते हैं, वो फिजिक्स जो कि न्यूटन के लॉज के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक, तो अब बोर्स ने अपने मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए। ठीक है, उन पॉइंट्स की मदद से बोर ने क्या किया, अपने मॉडल को एक्सप्लेन किया। सबसे पहला उन्होंने पॉइंट दिया
कि एटम कंटेन टू पार्ट्स, ठीक है, वो पुराना वाला ही है, न्यूक्लियर पार्ट एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। न्यूक्लियर पार्ट में क्या है, न्यूक्लियस है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एट सेंटर, एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट विच कंटेन्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटसाइड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस इन क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट कॉल्ड शेल। तो यहाँ तक तो वही बात है जो रदरफोर्ड ने बोली थी, ठीक। आगे ये जो आगे उन्होंने बोला कि दीज ऑर्बिट्स, उस इन ऑर्बिट्स को उन्होंने नाम दिया स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ना जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है उसको नाम दिया उन्होंने स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट इसलिए नाम दिया गया क्योंकि उनकी एनर्जी फिक्स होती है ना, मतलब इसको आगे जाके हम लोग प्रूफ करेंगे कि एनर्जी कैसे फिक्स होती है, अभी के लिए इसको बस उन्होंने एक स्टेटमेंट मान लीजिए कि जैसे रदरफोर्ड में तक क्या था कि रदरफोर्ड के मॉडल में मैक्सवेल ने बोला कि एनर्जी निकलेगी, लेकिन बोर ने प्रूफ कर दिया कि एनर्जी नहीं निकलेगी अगर ये एटम के अंदर का ऑर्बिट है, ठीक है, मतलब एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी फिक्स ऑर्बिट में, ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो वहाँ पे एनर्जी का एमिशन नहीं होता है। तो एनर्जी का एमिशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम नहीं होगी, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम नहीं होगी तो एटम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स नहीं करेगा, ठीक है। और जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट स्टेशनरी ऑर्बिट्स प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अराउंड कितने स्टेशनरी ऑर्बिट हो सकते हैं, इनफाइनाइट, ठीक। आउट ऑफ दिस इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक है, सब में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा ना, किसी पॉइंट के अराउंड आप इनफाइनाइट जो है कंसेंट्रिक सर्कल्स खींच सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके ऑर्बिट्स थे वो भी कंसेंट्रिक जो थे वो भी सर्कल्स ही थे ना, तो एक न्यूक्लियस के राउंड आप इनफाइनाइट ऑर्बिट्स बना सकते हैं, लेकिन क्या सारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा, नहीं, ठीक है। आउट ऑफ दिस इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट्स इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई, ठीक। अब यहाँ पे आपको एक नया टर्म समझ में आ रहा होगा, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब ये क्या होता है, मोमेंटम आप जानते हैं, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो ये उस ऑब्जेक्ट के लिए निकालते हैं हम लोग जो लीनियर मोशन कर रहा होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम, और ये बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ ऑर्बिट। जिस पाथ में वो रोटेट घूम रहा है उसके रेडियस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं अगर मोमेंटम में, तो हमको मिलता है एंगुलर मोमेंटम। तो उन्होंने उस सर्कुलर ऑर्बिट के लिए कंडीशन रख दी कि इलेक्ट्रॉन जो है उसी सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करेगा जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, एंगुलर मोमेंटम मतलब एम वी आर अपॉन, ठीक है, मतलब मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, ठीक है, वो बराबर हो किसके, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई, ठीक है। अब इंटीग्रल मल्टीपल में हम लोगों ने मल्टीप्लाई किससे किया है, एन से, और उन्होंने बोला कि ये जो एन की वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी जो है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एच है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। एन की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। इस फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं, दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। क्वांटाइजेशन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई क्वांटिटी किसी एक फिक्स क्वांटिटी का इंटीग्रल मल्टीपल में ही एग्जिस्ट करे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन, क्लियर। तो यहाँ पे पहली कंडीशन बोर ने क्लियर कर दी कि सर्कुलर ऑर्बिट के लिए कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा जिनमें एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो एच अपॉन टू पाई का, मतलब वहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, एम वी आर जो है वो या तो एच अपॉन टू पाई हो सकता है, वो या 2H अपॉन टू पाई हो सकता है, या 3H अपॉन टू पाई हो सकता है,
मतलब एच अपॉन जो भी एंगुलर मोमेंटम आएगा वो एच अपॉन 2 पाई में किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करने वाला ही नंबर आएगा, ठीक है। ऐसे कोई रैंडम नंबर नहीं आ जाएगा, ठीक है। और जनरली जो एन होता है, ये ऑर्बिट का नंबर होता है, ठीक है। मतलब एन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। एन इक्वल टू वन जो है वो उस ऑर्बिट के लिए होगा जो कि न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होगा, ठीक है। एन इक्वल टू टू उसके आगे वाला, एन इक्वल टू थ्री उसके आगे वाला, एन इक्वल टू फोर उसके आगे वाला, एन इक्वल टू फाइव उसके आगे वाला, एंड सो ऑन। इसी तरह हम लोग जा सकते हैं कहाँ तक, एन इक्वल टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो जो मतलब वो ऑर्बिट जिसके लिए एन इक्वल टू वन है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। जिसके लिए एन इक्वल टू टू है उसके लिए उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्बिट, जिसके लिए एन इक्वल टू थ्री है उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये तो नंबर के टर्म में हो गया, इसको हम लोग लेटर के टर्म में भी बोल सकते हैं। एन इक्वल टू वन को हम लोग बोलते हैं के शेल, ठीक है। ऑर्बिट को यहाँ शेल भी बोला जाता है, के शेल, ठीक है। एन इक्वल टू टू को बोलते हैं एल शेल, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, एंड सो ऑन, ठीक। तो इस तरीके से जो पहला ऑर्बिट होगा उसके लिए एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एच अपॉन टू पाई, ठीक है। जो दूसरा ऑर्बिट होगा उसके लिए एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, टू एच अपॉन टू पाई। जो तीसरा ऑर्बिट होगा उसके इलेक्ट्रॉन में, उसके इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, 3h अपॉन 2 पाई। चौथा जो होगा उसके लिए एंगुलर मोमेंटम होगा 4h अपॉन 2 पाई, एंड सो ऑन, ठीक। जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज फिक्स्ड ना, जितने भी हम लोग ऑर्बिट्स बनाए हैं, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, सबकी एनर्जी जो है वो फिक्स है, ठीक है। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम न्यूक्लियस, उसकी एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। मतलब जो वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से दूर है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, मतलब जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे उसकी सबसे ज़्यादा, मतलब अगर आप एनर्जी का ऑर्डर देखें तो के वाले का एनर्जी सबसे कम होगा, या ई वन वाले का एनर्जी सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा होगा ई टू वाले का, फिर उससे ज़्यादा होगा ई थ्री वाले का, उससे ज़्यादा होगा ई फोर वाले का, एंड सो ऑन। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। इसको भी हम लोग मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना आप समझ लीजिए कि जो न्यूक्लियस के नज़दीक वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और जो न्यूक्लियस के दूर वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक। आगे देखते हैं। अब क्या है कि वो जो रदरफोर्ड का मॉडल जिस पॉइंट पे गलत हो गया था कि एनर्जी लूज करने वाला, तो उसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया कि अनलेस अनटिल मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन एनी ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट, इट विल नाइदर लूज एनर्जी नॉर गेन एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो जब तक स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स में रहेगा, जब तक वो अपने स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स में रहेगा तब तक वो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला, तब तक वो एनर्जी लूज करने वाला नहीं है, उसकी एनर्जी जो होगी वो फिक्स होगी, ठीक है। तो उसके काइनेटिक एनर्जी लूज करने का कोई चांस नहीं है, उसके वेलोसिटी लूज करने का कोई चांस नहीं है, वो एक फिक्स वेलोसिटी के साथ अपने ऑर्बिट में घूमता रहेगा, ठीक है। अब कुछ टर्म्स हम लोग लगातार आगे बहुत ही यूज़ करेंगे, उसको आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। पहला है ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट किसी भी एटम का वो स्टेट होता है जहाँ पे उसकी लोएस्ट एनर्जी होती है, ठीक है। और अगर आपके पास मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जिसके लिए बोर्स मॉडल डिफाइंड है, मतलब मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे He प्लस, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक निकाल दिए तो He प्लस में एक इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे Li2 प्लस ऐसे, ठीक है। तो ऐसे मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में अगर आपका इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में प्रेजेंट है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो उसकी एनर्जी सबसे मिनिमम सबसे कम होगी, ठीक है। तो ये वो स्टेट है जहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन है, जो आपका सिस्टम है वो मिनिमम एनर्जी पे प्रेजेंट है, ठीक। तो इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है। दूसरा है हमारा एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट को छोड़कर किसी भी स्टेट में मौजूद है ना, वो n इक्वल टू वन छोड़ के किसी भी अदर हायर ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, ठीक है।
एवरी स्टेट अदर देन लोएस्ट एनर्जी इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट, और उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होगा, या तो दूसरे ऑर्बिट में होगा, या तीसरे ऑर्बिट में होगा, या चौथे ऑर्बिट में होगा, या इस तरीके से हायर ऑर्बिट में होगा। ठीक, तो n इक्वल टू वन जो है वो हमेशा क्या होगा, ग्राउंड स्टेट होगा। ठीक है, n इक्वल टू टू जो है वो होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, n इक्वल टू थ्री जो है वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगा। n इक्वल टू फोर थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगा। n इक्वल टू नाइन, ठीक है, एट्थ एक्साइटेड स्टेट होगा। अगर n की वैल्यू x प्लस वन है तो वो एक्स्थ एक्साइटेड स्टेट होगा, या अगर आपका एक्स्थ एक्साइटेड स्टेट दिया हुआ है क्वेश्चन में तो उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, x प्लस वन। मतलब जो भी आपको एक्साइटेड स्टेट दिया गया है उसमें अगर आप वन जोड़ दीजिए तो आपको n की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, तो उसके लिए n की वैल्यू हो जाएगी सिक्स। सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू हो जाएगी सेवन। सेवन्थ एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू हो जाएगी एट, एंड सो ऑन। ठीक, अब उन्होंने क्या बोला कि इसके पहला जो पिछला वाला पोस्टुलेट था कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन अपने स्पेसिफाइड स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, अपने स्पेसिफाइड एनर्जी ऑर्बिट में अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी जो एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक, लेकिन अगर उसका जो ऑर्बिट है अगर आप चेंज करेंगे, अगर आप लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में भेजेंगे तो लोअर ऑर्बिट की एनर्जी कम है, हायर ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में अगर उसको भेजेंगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन और अगर आपका इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तब उसको एनर्जी लूज़ करना पड़ेगा। तो एनर्जी लूज़ या गेन तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट चेंज करे। ठीक है, तो इसमें देखिए अगला पोस्टुलेट लिखा है उन्होंने, इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू एनी ऑफ द हायर ऑर्बिट फ्रॉम एनी लोअर ऑर्बिट बाई एब्जॉर्बिंग सुटेबल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ठीक है, मतलब अगर आपके इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाना है, N1 से N2 में जाना है, तो उसको जो दोनों ऑर्बिट के एनर्जी का डिफरेंस है उसके बराबर एनर्जी वाला फोटोन चाहिए होगा। ठीक है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को जैसे मान लीजिए पहले से तीसरे में जाना है, ठीक है, तो पहले तीसरे ऑर्बिट का एनर्जी और पहले ऑर्बिट का एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है उतने एनर्जी का वो फोटोन अगर एब्जॉर्ब करेगा तब वो हायर ऑर्बिट में जाएगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अपने हायर ऑर्बिट में नहीं जाएगा। ठीक, उसी तरीके से कि इलेक्ट्रॉन अगर वापस आता है, इलेक्ट्रॉन अगर वापस आता है फ्रॉम एनी हायर स्टेट टू एनी लोअर स्टेट, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, क्योंकि उसकी मगर मान लीजिए कि वो तीन से एक में आ रहा है तो तीन में उसकी एनर्जी ज़्यादा है, एक में एनर्जी कम हो जाएगी, तो वो उतनी ही एनर्जी क्या करेगा, लूज कर देगा जितना उसने एक से तीन जाने में एब्जॉर्ब किया था। जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया था वो भी फोटोन के फॉर्म में होगी और जो एनर्जी रिलीज हुई है वो भी फोटोन के फॉर्म में होगी। ठीक है, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो एब्जॉर्ब करते समय और रिलीज होते समय जो एनर्जी है वो दोनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, बस उसका डायरेक्शन अलग होगा, एक बार वो एब्जॉर्ब हो रहा था अब वो क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इज हाईली अनस्टेबल, इट विल स्टे देयर ओनली फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ठीक है, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, अगर आपकी जेब में मैं 100 रुपये दे दूँ तो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, और आपकी एनर्जी अगर आप बढ़ गई तो आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो आप 100 रुपये खर्च ना कर लें। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने हायर एनर्जी स्टेट में नहीं रह सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने हायर एनर्जी स्टेट में नहीं रह सकता है, उसको हमेशा लोअर एनर्जी स्टेट में आना ही होता है। जैसे अगर आप गेंद को छोड़ें तो गेंद हमेशा नीचे गिरती है, क्योंकि अगर गेंद को ऊपर आप रखेंगे तो वहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, जैसे जैसे वो नीचे जाती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगती है। तो हर स्टेट अपने लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है। ठीक, तो इसीलिए बोला गया कि जो हायर एनर्जी स्टेट हैं, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को आप लोअर एंड मतलब मान लीजिए उसका स्टेशनरी ऑर्बिट पहला है, अगर आप उसको भेज देंगे तीसरे में तो वो उसके लिए अनस्टेबल स्टेट है। ठीक है, तो वो जल्दी से जल्दी कहाँ आना चाहेगा, पहले में वापस। ठीक, अब अगला पॉसिबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन एनी ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट अनलेस अंटिल फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स
सेंटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी इक्वल टू फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर इन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये तो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा 9th class में आई थिंक, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो उसके ऊपर दो तरह के फोर्स लगते हैं, एक सेंटर की तरफ लग रहा होता है और एक सेंटर के अपोजिट लग रहा होता है। तो सेंटर के अपोजिट लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंटर के तरफ लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसका फॉर्मूला क्या होता है, mv² / r। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला होता है वो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होता है। फिलहाल तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है फिलहाल जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है आपका, के उसका फॉर्मूला क्या होता है, k1q2/r². तो यहाँ पर जो q1 है वो है न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा, z(e)। ठीक, q2 क्या है, q2 जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -e। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो कितना आएगा, -ze² - kze² / r². ठीक है, -kze² / r². ठीक, तो मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में तभी होगा जब उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या हो, बैलेंस हो। मतलब दोनों का जो सम हो, दोनों उसके ऊपर लगने वाले जो दोनों फोर्स हैं दोनों का सम जीरो आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि है mv² / r, ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो है -kze² / r², दोनों का सम क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, दोनों का सम जो है वो जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको kze² / r² को उठा के -kze² / r² को उठा के राइट साइड में ले जाऊँ, ठीक है, या mv² को उठा के लेफ्ट साइड में ले जाऊँ, तो वहाँ पे आप देखेंगे ये रिलेशन आपको मिलेगा। ठीक है, कि kze² / r² हमेशा बराबर आएगा mv² / r के। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दो रिलेशन मिल गए। पहला रिलेशन हम लोग को पहले ही मिल चुका है, mvr = nh/2π। ठीक है, ये दूसरा हम लोग को नया रिलेशन मिल गया, kze² / mv² / r। ठीक है, तो जो आपका जो बोर्स मॉडल है ये वो इन्हीं दो इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, पहला हमारा एंगुलर मोमेंटम वाला और दूसरा है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो क्या है, kze² / r² = mv² / r। ठीक, अब एक चीज़ मैंने बीच में बताई थी, फिर से बता दे रहा हूँ कि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कौन, बोर्स मॉडल। ठीक है, ये केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, चाहे वो एटम हो चाहे आयन हो, तो एटम तो एक ही, हमारा हाइड्रोजन एटम, बाकी हमारे पास आयन्स हैं। ठीक है, हीलियम प्लस आयन, हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बेरिलियम में वैसे तो चार इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन यहाँ 3+ है, मतलब आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, तो बचा कितना है, 1। हाँ, लेकिन एटॉमिक नंबर सबका अलग अलग होगा, एटॉमिक नंबर H के लिए 1 होगा, ठीक है, हीलियम के लिए 2 होगा, लिथियम के लिए 3 होगा, बेरिलियम के लिए 4 होगा। तो इन्हीं चारों के लिए बोर्स मॉडल के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। क्लियर, अब मैंने आपको बोला कि जो बोर्स का जो मॉडल है वो इन दो इक्वेशन के ऊपर टिका हुआ है, mvr = nh/2π और mv² / r = kze² / r² के। ठीक है, अब इन दोनों फार्मूलों का इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट है उसका रेडियस निकाल सकते हैं, और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला हम लोग निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्बिट। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पहला वाला इक्वेशन है,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन mvr इक्वल टू nh अपॉन 2π। ठीक है, यहाँ से मैंने वेलोसिटी का वैल्यू निकाल लिया, तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या आ जाएगा, nh अपॉन 2π, m और r उधर ले गए 1 अपॉन mr। ठीक है, और इसको हम लोगों ने रख दिया किस में, दूसरी वाली इक्वेशन में। दूसरी वाली इक्वेशन क्या थी, mv स्क्वायर अपॉन r kz e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर v का वैल्यू आप रख दें, ठीक है, nh अपॉन 2π mr का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, m अपॉन r n स्क्वायर h स्क्वायर 4π स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू kz e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, m से एक m कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये सारी उसके बाद क्वांटिटीज़ बच गई। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ, तो r को मैं ले जाता हूँ राइट साइड में, kz e स्क्वायर को ले आता हूँ इन सब के नीचे, तो r की जो वैल्यू आती है वो ये वैल्यू आती है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4π स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। अब इसमें से बहुत सारी वैल्यूज कांस्टेंट हैं, जैसे h कांस्टेंट है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, इतनी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। ठीक है, वेरी क्या कर सकता है, एटम वेरी कर सकता है, तो एटम वेरी करेगा तो जेड एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, ये एटॉमिक नंबर है, जेड चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये सब जेड है ना, ये जेड है सब, ये जेड है। ठीक है, आप लोग जेड और टू में कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक, तो अब इतने सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं, तो अगर इन सारी कांस्टेंट्स की वैल्यू आप पुट कर दें इस फॉर्मूले में, ठीक, तो आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आता है, r n ना रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। तो जितने भी हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे वहाँ पे हम लोग इसी फार्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। क्लियर, हाँ, इसको भी आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो इसको आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। दो फार्मूले हैं आपके पास, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2π और mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू kz e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इन दोनों ही इक्वेशन का आप यूज़ करिए और आप तुरंत निकाल सकते हैं क्या n r की वैल्यू इन टर्म ऑफ n h एंड ऑल। ठीक है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m kz e स्क्वायर। फिलहाल तो हम लोग इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, करते हैं इस्तेमाल। क्या है क्वेश्चन, क्या है, कैलकुलेट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ रेडियस ऑफ एच एटम। तो एच के लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो आर 1 कितना हो जाएगा, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड है ना, तो एन स्क्वायर अपॉन जेड का मतलब फर्स्ट के लिए 1 स्क्वायर अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम। R2 कितना हो जाएगा, 0.529 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम। R3 कितना हो जाएगा, 0.529 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम। ऐसे आ गया। उसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट रेडियस रेशियो ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ Be3+ ion एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ Li2+ ion, तो Be3+ के लिए जेड कितना होगा, 4, Li2+ के लिए जेड कितना होगा, 3। तो हमको R3 निकालना है किसका, Be3+ का, कितना आएगा, 0.529 इंटू एन स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर अपॉन जेड कितना है, 4 डिवाइडेड बाय, और हमको क्या चाहिए, फिफ्थ ऑर्बिट चाहिए, हमको क्या चाहिए, फिफ्थ ऑर्बिट चाहिए किसका, Li2+ का, तो जाएगा 0.529 इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, तो 529 से 529 कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा, 9 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 25, तो ये कितना हो जाएगा, 27 अपॉन 100 आ गया। ठीक, नेक्स्ट है
कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस डायमीटर एंड एरिया ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ Be3+ आयन। तो इसके लिए जेड की वैल्यू क्या आएगी, 4 होगी, तो आर 4 निकालना है। तो ये जाएगा 0.529 इंटू एन का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या आ गया, आपका आर आ जाएगा 0.529 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, πr स्क्वायर, रख देंगे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ फिफ्थ बोर ऑर्बिट ऑफ Li2+ आयन इज x, देन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ Hi+ इन टर्म्स ऑफ x। निकालते हैं फिर, तो फिफ्थ ऑर्बिट R5 निकालना है किसके लिए, Li2+ के लिए। क्या है ये, 0.529 इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, और ये है कितना x, इसको ऐसे लिखते हैं, एक मिनट, ठीक है, R5 है किसके लिए, Li3+ के लिए, और इसकी वैल्यू कितनी है, मतलब x के कितनी है x, और ये बराबर कितने हैं 0.529 इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 3 के। ठीक है, आपको Hi+ के लिए निकालना है थर्ड ऑर्बिट, तो Hi+ के लिए थर्ड ऑर्बिट, Hi+ के लिए थर्ड ऑर्बिट, तो ये कितना हो जाएगा 0.529, हीलियम का जेड होता है 2 का स्क्वायर, नहीं सॉरी, थर्ड एन ऊपर रहना है ना, तो एन का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, आप इसका रेशियो ले लीजिएगा, 529 से 529 कैंसिल हो गया, तो ये जगह आ जाएगा x अपॉन, ये हो जाएगा R3 Hi3+ इक्वल टू 55 × 50 / 27। ठीक, तो रेड थर्ड ऑर्बिट ऑफ Hi+ ये बराबर हो जाएगा किसके, 27x / 50, ये आ गया x के टर्म में। ठीक, तो ये हम लोग का आज का लेक्चर था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सीखा बोर्स मॉडल के बारे में, ठीक है, बोर्स मॉडल के पॉस्टुलेट्स के बारे में, और बोर्स ऑर्बिट क्या होता है, उसका रेडियस कैसे निकालते हैं, उसके लिए कंडीशंस क्या क्या हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से करिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे बोर्स मॉडल का, बोर्स ऑर्बिट का वेलोसिटी निकालना, बोर्स ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी निकालना, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना, उसकी टोटल एनर्जी निकालना, एक इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो उसको कितनी एनर्जी का फोटॉन चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तब तक के लिए